देश में कोरोना वायरस का कहर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अब डेल्टा का कहर बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर सख्ती की जा सकती है, लेकिन इसी बीच स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संक्रमण की कमी को देखते हुए कई प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि किन राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई से कक्षा 1 से 12 तक के सारे स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन छात्रों के आने पर रोक रहेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिर्फ शिक्षक और स्टाफ ही स्कूल आएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। बिहार में 10वीं कक्षा के ऊपर के स्कूल कॉलेज सोमवार से खुल जाएंगे। ऐसे में अभी भी 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। नहीं बताया गया कि सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने जिन क्षेत्रों में कोविड के केस नहीं आए हैं, वहां परिजनों की सहमति से कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि कोरोना मुक्त जोन कैसे हैं, कहाँ स्कूल खुलेंगे, इसको लेकर फैसला एक समिति करेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला लिया है, वहीं 12 जुलाई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएगी। राजस्थान में स्कूल खोल दिए गए हैं और नए सत्र के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।